बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी द्वारा तवज्जो नहीं दिए जाने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भड़क गए हैं। चिराग ने शनिवार को बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये सीट भगवा पार्टी की है और उम्मीदवार के चयन के लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र है। चिराग के पिता लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक राम विलास पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बीजेपी ने सीट पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर महागठबंधन उम्मीदवार नहीं उतारता है तो सुशील मोदी का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। विपक्ष द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने की स्थिति में 14 दिसंबर को चुनाव होगा। चिराग ने अपनी पार्टी के 20वें स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम में पत्रकारों से कहा, ये सीट बीजेपी की है और ये फैसला उसे करना है कि वो उपचुनाव में किस पार्टी से उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। सवालों के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें लगता है कि जिस तरह से नई सरकार काम कर रही है, बिहार में किसी भी समय मध्य अवधि चुनाव हो सकते हैं। एलजेपी के 20वें स्थापना दिवस पर अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चिराग ने कहा कि 28 नवंबर 2000 को पार्टी की स्थापना आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने राष्ट्रवादी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। मुझे गर्व है कि पार्टी ने हमेशा राष्ट्रहित से प्रेरित होकर सभी जाति और धर्म के साथ काम किया और समाज को एक रखने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा, इतने मुश्किल वक्त में भी मेरा हौसला नहीं टूटा। बिहार पर नाज करने के लिए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेना हुआ तो मैं घबराया नहीं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 15 साल सत्ता में रहने बाद भी 3 साथियों का सहारा लेना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।